मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है। वो सभी अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए कार से किसी अच्छे से प्लेस पर जा रहे होते हैं। सभी लोग एंजॉय करते हुए कार में बैठकर जर्नी कर रहे होते हैं कि तभी उनकी कार के पास से एक दूसरी कार ओवरटेक करती है, जिसमें दूसरी कार में जो शख्स होता है वो बहुत ही वियर्ड नजरों से उन सारे कॉलेज फ्रेंड्स को देखता है। उन फ्रेंड्स को भी उस आदमी का ऐसा देखना काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद उन सब में एक लड़की जिसका नाम नाओमी होता है, उसे पता चलता है कि हम सब लोग बियर लेना भूल गए हैं, जिसके बाद में वो सारे फ्रेंड्स लोग अगले गैस स्टेशन पर बियर खरीदने के लिए रुकते हैं। कार से उतरने के बाद सभी स्टोर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो दोनों लोग जो कार से उस समय जिन्होंने ओवरटेक किया था वो लोग भी वहीं पर होते हैं, और अभी भी वो लोग उन सभी लोगों को घूर कर ही देख रहे होते हैं। कॉलेज फ्रेंड्स जाकर बियर खरीद लेते हैं। बियर खरीदने के बाद में वो बियर को आइस में रख रहे होते हैं, तभी इस साइड में वही दो शख्स जिनका नाम टकर और डेल होता है वो उन्हें अभी भी घूर कर ही देख रहे होते हैं। डेल टकर से कहता है कि क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़कियां देखी हैं? टकर इसके जवाब में कहता है कि इन सब में क्या स्पेशल है, वो नॉर्मल ही तो है। टकर साथ में ये भी कहता है कि अगर तुमको वो पसंद है तो तुम क्यों ना जाके उनसे बात करने की कोशिश करो। डेल कहता है कि वो लड़कियां मुझसे क्यों बात करेंगी, मेरे जैसे लोग इनके घर में जाकर टॉयलेट साफ करने का काम करते होंगे। मगर फिर भी टकर डेल का हौसला बढ़ाते हुए उसे बात करने के लिए जाने को कहता है। अब डेल धीरे धीरे उन सब फ्रेंड्स की ओर आगे बढ़ता है और उनसे जाके पूछता है कि क्या तुम सभी लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे हो, और साथ में बेहद ही अजीब हंसी के साथ में डेल हंसता भी है। उन फ्रेंड्स को लगता है कि ये एक खतरनाक आदमी है जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो फ्रेंड्स उसे अपने से दूर रहने के लिए कहते हैं, और इसके बाद में वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। डेल इस बात पर बहुत नाराज हो जाता है, वो बस एक लड़की से कुछ बात करना चाहता था। टकर और डेल भी यहाँ पर अपने कॉटेज में वैकेशन के लिए आए होते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी अपने कॉटेज की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो अपने कॉटेज में पहुँच जाते हैं। कॉटेज में यहाँ पर कई सालों से कोई भी नहीं आया था, इसीलिए यहाँ की हालत खराब होती है और कुछ हिस्से टूटे हुए भी होते हैं। दूसरी साइड में कॉलेज के फ्रेंड्स भी अपनी लोकेशन पर पहुँचने के बाद टेंट लगा के बॉनफायर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर चैट नाम का एक लड़का होता है जो इनका लीडर होता है। चैट को उसकी फ्रेंड एलिसन से प्यार होता है, मगर एलिसन उससे सिर्फ फ्रेंड जैसा ही व्यवहार रखती है। बॉनफायर के दौरान सभी लोग अपनी अपनी कुछ लाइफ की एडवेंचरस स्टोरी के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर चैट उन सब लोगों को अपने पेरेंट्स की स्टोरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे मॉम और डैड अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे ही कैंपिंग के लिए आए थे, मगर कुछ मसैकर्स ने सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। मेरी मॉम किसी तरह से अपनी जान बचा के निकल गई थी। ये स्टोरी सुनने के बाद में जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब डर जाते हैं। इसके बाद में उनका फ्रेंड कैमरॉन आके बताता है कि हमारे पास में एक लेक है, कौन कौन चल के उसमें स्विमिंग करना चाहेगा। अब इसके बाद में सभी फ्रेंड स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। उसी लेक में टकर और डेल भी दूसरी साइड में फिशिंग कर रहे होते हैं। जब एलिसन नहाने के लिए जाती है और अपने कपड़े उतारती है तो टकर और डेल दूर से उसे देख रहे होते हैं। डेल उसे ऐसे नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो एक अच्छा आदमी होता है, मगर जब एलिसन डेल और टकर को देखती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। एलिसन के पानी में गिरने के बाद में डेल तुरंत पानी में जाकर उसे बचा लेता है। दूर से एलिसन के फ्रेंड एलिसन को देखते हैं जिसे डेल अपनी बोट में डाल रहा होता है, तो उन सभी फ्रेंड्स को ये लगता है कि ये जो दोनों लोग हैं वो दोनों लोग एलिसन को किडनैप कर रहे हैं। इस साइड में डेल चिल्ला के उनके फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स हमारे पास में है, मगर किसी गलत फहमी के कारण वो सारे फ्रेंड्स डर के भाग जाते हैं। ये बात जब चैट को पता चलती है कि एलिसन को कोई उठा ले गया है तो वो जल्दी से दौड़ के आता है, मगर टकर और डेल उसे लेकर निकल चुके होते हैं। एलिसन की अब जब थोड़ी देर बाद में आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कॉटेज में पाती है। डेल उसके लिए नाश्ता लेकर आया होता है। डेल एक अच्छा आदमी होता है, मगर लोग उसे बुरा समझ रहे होते हैं। एलिसन को अभी यहाँ पर लगता है कि डेल ने शायद उसे किडनैप किया हुआ है, मगर डेल उसे बताता है कि वो पानी में गिर गई थी जिसके बाद में हमने उसको बचाया है। टकर दूसरी साइड में बाहर चैनसॉ से लकड़ियां काट रहा होता है।
जाता है। तभी एलिसन के फ्रेंड्स उसको बचाने के लिए वहाँ पर आते हैं। उन सारे फ्रेंड्स को यही लगता है कि इन दोनों लोगों ने एलिसन को किडनैप किया हुआ है, इसीलिए एलिसन के फ्रेंड्स उसको बचाने के लिए यहाँ आए होते हैं। वो सभी लोग धीरे धीरे कॉटेज की ओर बढ़ते हैं, मगर टकर जब चैनसॉ से लकड़ियाँ काट रहा होता है तब उससे गलती से मधुमक्खियों का छत्ता भी उसी चैनसॉ से कट जाता है, जिसके बाद में सारी मधुमक्खियाँ अब टकर के पीछे पड़ जाती है, जिससे बचने के लिए टकर उसी चैनसॉ को हवा में फिराते हुए अब तेजी से भागता है। जब वो सारे फ्रेंड्स टकर को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो चैनसॉ लेके हमको मारने के लिए आ रहा है, जिससे वो सभी कॉलेज किड्स अब अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। मगर उनमें से एक लड़का जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, टकर उससे भी तेज भाग के आगे निकल जाता है। वो लड़का ये सोचता है कि आखिरकार ये किसके पीछे भाग रहा है, लेकिन इतने में ही एक पेड़ की टहनी उसके पेट में घुस जाती है और वो लड़का मर जाता है। टकर थोड़ी देर बाद में कॉटेज में वापस आता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसके शरीर के कई हिस्सों में कई सारी मधुमक्खियों ने काटा होता है। टकर ये भी बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर थे। एलिसन अब ये कहती है कि ठीक है, तुम लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, अब मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रही हूँ। लेकिन डेल अभी ये कहता है कि तुम आराम करो, तुमको अभी आराम करने की जरूरत है, टकर और मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। टकर और डेल दोनों लोग उन सब फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, मगर वो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो उन दोनों से छिपे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि डेल और टकर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वापस आने के बाद में टकर फिर से लकड़ियां काटने लगता है और डेल एक गड्ढा खोदने लगता है। एलिसन भी आके डेल की मदद करती है। वो कॉलेज किड्स जो होते हैं वो उन तीनों लोगों को दूर से देख रहे होते हैं। उन सभी लोगों को यही लगता है कि वो एलिसन से जबरदस्ती उसकी ग्रेव खुदवा रहे हैं। एलिसन की मदद करने के लिए अब दो लोग टकर और डेल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर किसी कोइंसिडेंस से डेल और टकर दोनों लोग बच जाते हैं और जो लोग उनको मारने के लिए आए थे वो खुद ही मर जाते हैं। इन सब में एलिसन को भी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। टकर और डेल को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कॉलेज किड्स हमें मारना क्यों चाहते हैं, और यही हाल उन कॉलेज किड्स का भी होता है। उन्हें लगता है कि टकर और डेल उन्हें मारना चाहते हैं। यहाँ पर पूरा सीन ही गलतफहमी का होता है। एलिसन बेहोश हो गई होती है, इसीलिए डेल उसे कॉटेज में लिटा देता है। कॉलेज फ्रेंड्स में दो और लोगों के मर जाने के बाद में उनमें से एक लोग अब पुलिस के पास चला जाता है। इस साइड में डेल और टकर भी पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग यहाँ की इस गंदगी को बाहर जाकर जो लोग मरे पड़े हुए होते हैं उसको हटाते हैं। लकड़ी काटने वाली मशीन के अंदर उसमें से एक आदमी जाके मरा होता है। उसका आधा शरीर पूरा कट चुका होता है और आधा जो बचा होता है उसको वो लोग हिम्मत करके उसे बाहर खींच कर निकालते हैं। मगर फिर से कोइंसिडेंस से वो कॉलेज के फ्रेंड्स पुलिस को साथ में बुला लाते हैं। पुलिस यहाँ पर टकर और डेल को लाश को ले जाते हुए देखती है, जिससे पुलिस को लगता है कि मर्डरर यही लोग हैं। टकर और डेल पूरी सिचुएशन पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, और वो उन दोनों का बिलीव नहीं करता है। डेल ये कहता है कि हमारे कॉटेज में उनकी फ्रेंड एलिसन है, तुम चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो। पुलिस फिर उन दोनों के साथ में कॉटेज के अंदर जाती है। पुलिस वाले को एलिसन बेहोश दिखाई देती है, और जब वो पीछे थोड़ा हट के पास के खंभे को छूता है तो खंभा अचानक से गिर जाता है और उसके ऊपर से कई सारे कीले लगी हुई लकड़ी सीधा पुलिस वाले के सर में जाके लग जाती है। पुलिस वाला घायल होकर अब बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर से उन सभी फ्रेंड्स को लगता है कि टकर और डेल ने पुलिस वाले को भी मार दिया है। इसके बाद में चैट जल्दी से जाके पुलिस वाले की गन ले लेता है और डेल और टकर पर फायर करता है। पूरा मैटर और भी बिगड़ता जा रहा होता है। जब वहां पर कॉटेज के बाहर कोई नहीं होता है, उसके बाद डेल और टकर बाहर चले जाते हैं, तब चैड और उसके फ्रेंड्स एलिसन को बचाने के लिए फिर से कॉटेज में जाते हैं। एलिसन कॉटेज में अकेली होती है, जिसके बाद में एलिसन चैड और उसकी फ्रेंड को पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। चैड एलिसन की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है, और जल्द ही डेल और टकर भी वहां पर आ जाते हैं। एलिसन दोनों लोगों को आपस में बात करके मामला समझाने को कहती है। सभी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं, मगर उन कॉलेज किड्स के कुछ फ्रेंड्स अभी बाहर होते हैं। जब वो कॉटेज के पास आकर चुपके से अंदर देखते हैं तो सभी लोग अंदर बैठे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि डेल और टकर ने सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है, जिसके बाद में वो दोनों लोग भी डेल और टकर के ऊपर अटैक कर देते हैं।
मगर लकीली फिर से वो दोनों लोग बच जाते हैं और इनकी इस हरकत से इन्हीं के साथ ही मारे जाते हैं। एलिसन डेल को पसंद करने लगी होती है और चैड अभी भी डेल को किलर ही समझ रहा होता है, इसीलिए चैड एलिसन को उठा ले जाता है। जब डेल की आंख खुलती है तो वो एलिसन को बचाने के लिए चैड के पीछे चला जाता है और किसी हीरो की तरह एलिसन को वो बचा लेता है। चैड की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब जब पूरा मामला खत्म हो जाता है तो टकर को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और डेल को आखिरकार उसके पसंद के अनुसार एलिसन मिल जाती है और यहाँ पर इस कंफ्यूजन वाली मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2010 की एक स्लैशर मूवी जिसका नाम है टकर एंड डेल वर्सेस इविल। मूवी में आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।